वेलकम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है सारा दिन इतना काम नहीं था, घर में बोर ही होते रहे हैं, तो अभी हमने सोचा है कि, बल्कि मैंने क्या सोचा, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बाबा जो है उनको हो रहा था कि मुझे बाहर लेके जाओ, तो उसे बातें कर रहे थे तो उसे बोल रहे थे सैर करने जाना, सैर करने जाना। तो वो कहती है बाबा को लेके जाओ, बाबा को बाहर जाके घुमा के लाओ। तो इनको मैं लेके आई हूँ जी मार्केट, कमर्शियल सेंटर इधर है मलशा टिक्का, तो मैंने कहा चले इनको वहाँ से खाना खिला देते हैं। अब बाहर आए हैं तो ज़ाहिर बात है कि थोड़ी बहुत इन्जॉयमेंट तो हम करेंगे ही, ज़्यादा इनके साथ मैं घूम फिर नहीं सकती हूँ। जस्ट टैक्सी पर ही कहीं जहाँ भी जाना है, एक जगह भी उतरेंगे और वहीं से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाज़ार में आपको पता है पैदल चलाना मुश्किल है इनको। तो अभी हम निकले हैं, अभी मैंने पैसे भी निकलवाए हैं और अब हम जा रहे हैं जी मनशा टिक्का की तरफ, और वहाँ जाके बताती हैं आपको कि हमने क्या खाया, क्या ऑर्डर किया, क्या बाबा जी ने पसंद किया, क्योंकि चिकन ये खाते नहीं हैं। वैसे ये कह देते हैं मुझे टिक्का खिलाओ, लेकिन चिकन नहीं खाते हैं ये। अभी भी मैंने कहा, मैंने कहा आप टिक्का तो खाते नहीं हो, चिकन तो फिर क्या खाओगे? तो वो कहते हैं मम्मा दूसरा, तो दूसरा मीन्स के कबाब वगैरह होंगे तो वो ये खा लेंगे, तो चिकन ऐसे नहीं खाते हैं। तो ये हमारे जो कमर्शियल मार्केट है जी सारी, इधर सारी यही देखें खाने पीने की शॉप्स ही हैं। तो उस दिन मैं निशा के घर गई थी तो उसने मुझे वहाँ से टिक्का मंगवा के खिलाया था, मुझे बड़ा पसंद आया था टिक्का। मैं खुद शौक से खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे बाहर से कोई खाना खाना है तो मुझे टिक्का ही खाना है, बस इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ बाहर की नहीं खाती। खाने सारे मेरे घर पर ही बनते हैं, लेकिन अगर बाहर से कुछ खाना है तो मुझे टिक्का कबाब, मुझे भी बारबेक्यू पसंद है बाहर से खाना। मैं घर पे भी बनाती हूँ, लेकिन ये है कि कभी कभी जैसे नहीं मूड है तो फिर हम बाहर जाके भी खा लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जी, ये देखिए ये सारी शॉप्स जो हैं, ये यहाँ पे मार्केट जो है सारा खाने पीने से भरा हुआ है। खाऊँ तो ये यहाँ की बिरयानी है, कराची कलंदरी बिरयानी, ये बहुत मज़े की होती है, मेरी बेटी को बड़ी पसंद है। उस दिन हमने खाई थी जब उसके घर से आए थे, तो यहाँ से लेके गए थे। ये देखें ये जन्नत मॉल है यहाँ पे, वो और भी एक दो मॉल हैं यहाँ पे, और स्वीट्स की दुकानें हैं, यही बाज़ार है जहाँ पे उस दिन भी मैं आई थी, और हम अक्सर आते हैं क्योंकि ये हमारे नज़दीक पड़ता है। तो कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो हम लोग फिर यहीं पर शॉपिंग करते हैं आके, और खाना पीना भी यहीं है। कम मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ, इससे पहले मैं कभी गई नहीं, लेकिन सुना है तो मैंने कहा चले थोड़ा चक्कर लगा के देखते हैं कि अच्छा है या नहीं, उनसे फिर ले आएंगे कॉन्टेक्ट नंबर भी, ताकि अगर कभी घर में दिल करे तो बंदा घर में भी मंगवा लेता है, क्योंकि हमारा ज़्यादा थोड़ा निकलना मुश्किल होता है बाबा के साथ। तो ये आगे हैं जी हम, मेरा ख़्याल है टिक्का मनशा टिक्का के पास, ये है जी मनशा टिक्का। तो यहाँ पे हम उतरेंगे और देखते हैं इधर इनकी क्या सेटिंग है और क्या हिसाब किताब है, और फिर आपको बताते हैं। सेटिंग भी है कि नहीं वो भी देखनी पड़ेगी हमें। ये जी हम आ गए हैं मनशा टिक्का पे, बाबा जी बैठ गए हैं, और मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ ज़रा, मेरा पर्स पकड़ कर, मेरा पर्स पकड़े वो कर देते हैं सीधा। तो ये है जी इनकी सारी सेटिंग, लेकिन लोग बाहर ही बैठे हुए हैं तो हमने सोचा कि हम भी इधर बाहर ही बैठ जाएं, क्योंकि अंदर जाके फिर बाहर आना बड़ा मुश्किल काम है, तो लिहाजा हम भी इधर ही सेटिंग कर लेते हैं। हाँ जी बच्चे, कोई है मेन्यू कार्ड आपका? चले लेते हैं। नहीं जी हमने कर दिया है ऑर्डर, हमने ऑर्डर किया है जी बीफ रोटी, मैंने अपने लिए चिकन टिक्का जो है वो ब्रेस्ट पीस मंगवाया है, और बाबा जी के लिए हमने सीख कबाब भी मंगवाए हैं, और साथ रोटी और सलाद जो भी वो देंगे भी देखते हैं। मैंने उसे बोला है कि भाई स्पाइसी होना चाहिए क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है, तो अब देखते हैं कि जो घर में खाया था वो तो बहुत मज़ा, मुझे वाकई बहुत मज़ा आया था, और इसीलिए मैं जब दोबारा आई हूँ तो चले जाते खा के देखते हैं। बाबा जी को मैसेज उठा के ले आए हैं, और बाबा की जी की वजह से हम भी इंजॉय कर लेते हैं, वरना हम घर में बैठे बोर हो रहे थे,
आज ऑर्डर भी इतने नहीं आए हैं, दो दिन ही ऑर्डर आए थे और बाकी मैं सारी चीज़ें जो है वो ऑफ करके आई हूँ। वो मुझे पूरा 10-15 मिनट उसी पे लग गए हैं कि मैं चीज़ें ही ऑफ कर रही थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये उन्होंने हमें मुसीबत डाल दी है। मेरे पास आपको पता है दो डिवाइसें हैं और दोनों डिवाइसों में 30-30, 40-40 आइटम ऑन है, तो उन सबको एक एक करके मैंने ऑफ किया और अब मैं आई हूँ। अब पीछे से कुछ ऑन हो गया ऑर्डर आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये है कि मैं जो हूँ उनको चीज़ों को ऑफ करके आई हूँ। तो ये देखें जी, दुनिया बाहर निकली पड़ी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया जो है वो बाहर ही आ गई है। और ये हम ये कि मौसम अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इधर बाहर ही बैठते हैं तो इधर ही मज़ा करते हैं हम लोग बैठ के। कभी हमारा खाना आता है तो फिर हम आते मिलते हैं। हाँ जी बाबाजी खुश हैं, बताएं खुश हैं बाहर आते हैं। मेहर को बताओ कि मैं कोई मैं मामा तेरी ले आई है मुझे बाहर। मेहर को बताओ तो माँ कब को आप बीना ले आई है बताओ। मामा ले आई है तो बीना मुझे बीना ले आई है, नहीं बीना बाहर ले आई है मामा नीना नीना मोनो वेदा तो रहा। तो जी बाबा जी का दिल कह रहा था बहुत ज़्यादा, क्या करूँ मैं, मुझे भी होता है कि मैं इन्हें लेके बाहर निकलूँ, क्योंकि इनकी अपनी एक घर में बस वही रूटीन होती है, उठते हैं नाश्ता किया सो गए, नमाज़ें पढ़ ली, तिलावत सुन ली और खाने के टाइम पे खाना चाहे, बस यही लाइफ है हमारी। मैं अपने कामों में बिज़ी रहती हूँ, ये अपना बेचारे लगे रहते हैं, तो फिर कभी कभी हम निकलते हैं, पहले भी मैं लेके आती हूँ, लेकिन मुझे अभी वैसे सच बताऊँ तो बहुत सुस्ती आ रही थी। मैं कह रही थी कि नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, छोड़ो छोड़ो, तो फिर ये चुप कर गए, इन्होंने ज़्यादा कहा नहीं, लेकिन फिर मुझे हुआ मैंने कहा नहीं भी लेके जाती हूँ, तो चलो मैं भी थोड़ा घूमते रहती हूँ, उन्हें भी इंजॉय करा देते हैं, तो इसलिए फिर हम आए हैं बाहर। बोलो उसको फिर बीना ले आई है। मामा बाय बाय। ओ को बीना लेके आई है। मामा लेके आई है। किधर लाई है? मामा लेके आई है। कहाँ पे लेके आई है? मामा चुप। कबाब खिलाने? मामा 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 अवाब अवाब नहीं कबाब। मामा कबाब टिक्का बोटी कबाब। मामा भैया गोटी कबाब। तो हम खाने लगे हैं, आ जाओ। मामा जाने लेने हैं, आ जाओ। मामा आ जाओ। अब देखें जी हमारा खाना आ गया है, ये मैंने मंगवाया अपने लिए टिक्का, ये इनके लिए कबाब सैलड, और हमारा बीफ टिक्का भी आया नहीं है, वो गलती से चिकन टिक्का ले आया था, दूसरे वाला मलाई बोटी, मैंने कहा जी नहीं हमने तो बीफ ऑर्डर किया है, तो अभी वो बीफ लेने गया है। ये जी अब हमारा कंप्लीट ऑर्डर आ गया है, ये चिकन टिक्का है, ये कबाब है, ये बीफ रोटी मंगवाई है और ये रोटी सलाद, तो हम करने लगे हैं इंजॉय और आप हमें देखिए। आ जाएं आप भी, बिस्मिल्लाह करें सारे मेरे साथ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबको इन्विटेशन है, आ जाएं। बाबा जी को खिला रहे हैं उनकी फेवरेट चीज, अपनी फेवरेट चीज। छोड़ दो बाबा जी, बिल्लियों के पीछे पड़ गए हैं, इधर आ गई हैं जी बिल्लियाँ, अब बाबा जी खाना छोड़ के और बिल्लियों होके पीछे हो गए, अब हम खाना नहीं इंजॉय कर रहे।
बाबा को हमने पेप्सी नहीं दी है तो वो नाराज हो रहे हैं। इनको खांसी बहुत आ रही है तो इस वजह से मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं भाई आप पेप्सी नहीं पियो, तो मैं पी रही हूँ। अच्छा बताएं हस्बैंड जी, बताएं मज़ा आया? खैरू को बताएं ना, खैरू को बताएं मज़ा आया खाना खा कर? नहीं मज़ा आया? ओहो क्या फ़ायदा हुआ हमें फिर आने का? वापस चले, वापस चले ना। एरू को तो बताओ ना, एरू पूछ रही है, एरू पूछ रही है क्या बाबा से पूछो मज़ा आया। लो जी बाबा ने खाना खा लिया, बाबा जी को तो टोटली मुकर गए कुछ भी बताने से, बाद में पूछते हैं उनसे। बताए ना फटाफट, मैं बंद करूँ, जल्दी से बताए। स्वाद आया? स्वाद आया, बताए ना स्वाद आया मम्मा? स्वाद आया, स्वाद आ गया हमको, पर उन्होंने अपनी चेहरे के आगे हाथ रख लिया। तो वाकई में बड़ा मज़ा आया, इनका बीफ टिक्का बहुत मज़े का था, कबाब जो थे वो थोड़ा सा समझ लें कि लाइट स्पाइस के साथ थे, बदल गया मक्खन रेशमी कबाब से बीच में ज़रा ज़रा से मक्खन निकला, लेकिन लाइट थे, यानी जो लोग लाइट स्पाइस पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। बीफ में अगर और चिकन में थोड़ा सा भी और भी मसाला होता तो मज़ा आना था, लेकिन फिर भी मज़े का था, इन्जॉय किए हमने। ओवरऑल मज़ा आया खाना खा के यहाँ पे, और फर्स्ट टाइम खाया था तो सुना बहुत हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम खाया और अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छा था जो सारा। अभी जी हमने खाना खाना खा लिया है और अभी हमने गाड़ी बुला ली है, बाबा जी तो बिल्कुल ही परेशान हो गए। हमने गाड़ी बुला ली है तो गाड़ी आती है तो इंशाल्लाह फिर हम घर जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अपना घर जाके ठीक है, मैं इनसे नंबर ले रही हूँ क्योंकि होता है कि कभी कभी घर में कोई आ जाए या वैसे ही दिल करे तो बंदा ऑर्डर कर लेते हैं, तो कह रहे हैं जी होम सर्विस है हमारी, तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे नंबर दे दें ताकि कभी हमारा दिल करे तो हम ज़रूर इनको ऑर्डर करेंगे। व्यूवर्स भी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि खाना खा कर फिर कहीं और जाने का मसला आपको पता ही है, जैसे कि पैदल लेके जाना बाज़ार में इतने रश में बाबा को बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से बस जहाँ जाते हैं वहीं बस होके खा पी के घर आ जाते हैं। अभी चाय पीने का दिल था इधर जाना में, इस साइड में अभी दिल था, नहीं नहीं इधर नहीं आता, आपको कहीं और ले जाएगा मैं, तो ये था कि बड़ा दिल कर रहा था कि साथ में चाय भी मिलती क्योंकि बड़ा मज़े का मौसम था। ये है कि बाबा के साथ वही बात है कि रोड के ऊपर, और आपको पता है यहाँ की रोड्स भी किस तरह की टूटी फूटी होती हैं, तो वहाँ पे चलाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, तो मैंने कहा चलें घर ही चलते हैं। चलें मुझे गाइड दे। आ रहा है, बस कह रहा है, यहाँ तो नज़र आ रहा है ना, क्या काम अभी भी नहीं नज़र आ रहा? आ रहा है, इतना घर का तो आपको पता है। एक दो ये हम पहुंचने लगे हैं जी घर। ये सीधे आते वो कह रहे हैं इधर लगा दो ताकि उनको उतरने में आसानी होगी। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू फाइन, थैंक यू वेरी मच। चलो जी हम आ गए हैं घर और अभी आपसे मिलते हैं। बाबा जी को ये मैंने इधर से बंद किया था, मैंने कहा आप खोल दोगे बच्चों की तरह, कहीं बाहर ही ना गिर जाओ। चले उतरे गए हैं जी घर घूम फिर के, और अभी 10 बज गए हैं तो अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं रेस्टोरेंट ओपन करूं, क्योंकि आधा घंटा रह गया, चीज़ें मैंने ऑफ की हुई हैं, वो सुबह खुद ब खुद ऑन हो जाएंगी। तो अभी ये है कि बस चेंज करके तो थोड़ा रेस्ट मारेंगे क्योंकि मैं थक गई हूँ, इतने से जाके थक जाती हूँ मैं। असल में इनको संभालना जो है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और स्पेशली ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे रोड्स अच्छी ना हो, मतलब जैसे ऊपर नीचे होती है ना, तो फिर ये
बहुत डर डर के चल रहे होते हैं, फिर सारा वेट मेरे ऊपर डालते हैं और मेरे ही भी जो है ना हालत बुरी कर देते हैं। लेकिन ये है कि चले, इनका दिल कर रहा था, इनको हमने सैर करा दिया, घुमा फिरा दिया। अब बाबा जी बताएंगे कि मजा आया कि नहीं, बताओ ना मम्मा। ओ व्यूअर्स को बताओ, मजा आया है? नहीं बताओ, स्वाद आया? मम्मा स्वाद आया है, हाँ बहुत स्वाद आया है। इनको अपने पसंद के कबाब खा के आए हैं, मुझे भी बहुत मजा आया है। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे इसी तरह किसी अपने और एक लाइट से व्लॉग के साथ, अगर कोई ऑर्डर्स हुए तो फिर उसके साथ, नहीं तो फिर इसी तरह के किसी व्लॉग के साथ मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।